ओके सो नाउ वी गो टू 4.2 और 4.2 के हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और 4.2 में 4.2 में ऑलराइट देन 4.2 में हमने क्या देखा 4.1 में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन था सिर्फ उसमें एक सम थोड़ा डिफरेंट था तो हमने इसको सॉल्व किया जो फोर्थ वाला था 4.2 में दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा टाइप कब कंस्ट्रक्ट करना है वो पहले सीखो ठीक है 4.2 में सबसे पहले ये रहेगा क्या एक साइड दे दिया है एकदम क्लियर है अगेन एक एंगल दे दिया है वो भी पॉइंट क्लियर है तीसरा पहले का था एडिशन ऑफ टू साइड यहाँ पर दो साइड का सब्ट्रैक्शन है पहले वाले में जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किया उसके अंदर क्या था एडिशन ऑफ टू साइड्स पर यहाँ पर क्या डिफरेंट है सब्ट्रैक्शन एडिशन का कौन सा साइड है सब्ट्रैक्शन पर ये सब्ट्रैक्शन दो टाइप से आ सकते हैं ये जो सब्ट्रैक्शन है वो दो टाइप से आ सकते हैं तो ये समझो ये ट्राइंगल हमारा कौन सा एक्स वाई जेड यहाँ पर जो दिया है सब्ट्रैक्शन वो कैसा बच्चों एक्स वाई माइनस एक्स जेड एक्स वाई माइनस एक्स जेड अगर ऐसा है जो हमको दिया है तो जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने कंस्ट्रक्शन 4.1 में किया है तो जो भी मेथड हमने 4.1 में किया है वही मेथड होगा अगर सब्ट्रैक्शन का पैटर्न ऐसा दिया हो क्या हो एक्स वाई माइनस एक्स जेड ये दोनों नजदीक वाले एक्स वाई एक्स के बाद वाई और ये कौन है दोनों दूर वाले तो नजदीक वाले माइनस दूर वाले बराबर नियर माइनस फार नियर माइनस फार दिया है तो कंस्ट्रक्शन का पैटर्न क्या रहेगा सेम रहेगा जो हमने किसमें यूज किया 4.1 में अगर ये पैटर्न चेंज करके ऐसा दे दी एग्जिट माइनस एक्स वाई मतलब फार माइनस नियर फार माइनस फार माइनस तो कंस्ट्रक्शन का पैटर्न चेंज हो जाएगा जो हम लोग लाइन एंगल का लाइन ऊपर की तरफ बनाते थे वो लाइन हम कहां बनाएंगे नीचे की तरफ बनाएंगे यानी दोनों की तरफ बनेंगे बराबर है वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा ठीक है कब जब नियर माइनस फार हो तो पैटर्न सेम जब फार फार माइनस नियर हो तो पैटर्न क्या हो जाएगा चेंज ठीक है बच्चों तो इसमें कुल थ्री सम्स हैं फर्स्ट सम एंड सेकंड सम जो पैटर्न है अगर आप देखोगे बुक में तो आपको समझ में आएगा वो नियर माइनस फार के नियर माइनस फार के तो उनका कंसेप्ट सेम है तो उनमें से मैं एक सम कर देता हूँ और थर्ड वाला जो सम है इसके अंदर उसका जो पैटर्न है वो है फार माइनस नियर वो अलग करेंगे तो इसमें हम दो सम करेंगे फर्स्ट सम एंड द थर्ड सम ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं लोग फर्स्ट सम हमारा तो इसमें तो कुछ कोई भी चेंजेस नहीं करना नहीं बड़ा सिंपल से वाई जेड जो दिया है 7.4 उस वाई जेड को हम बना लेंगे ये हमारा वाई है ये हमारा जेड है और ये लोग कितने 7.4 ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया फिर एंगल एक्स वाई जेड मतलब एंगल वाई ये कितना दिया है 45 डिग्री तो इस पे वाई पर दिया इसको और क्योंकि सेगमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर ये है तो 90 का राइट हैंड साइड पर इसको ढूंढेंगे हम तो ये 45 यहां पर नहीं आएगा अब क्या करेंगे एक बड़ा सा लाइन बना देंगे ये बन गया एक बड़ा सा लाइन बन गया ठीक है बच्चों अब जो है जो मैसेज क्लियर नहीं है एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज 2.7 उस 2.7 को हम ज्वाइन करेंगे तो अब इसके ऊपर क्या ले लेंगे 2.7 तो 2.7 ले लेंगे इसके ऊपर तो सपोज ये हमारा है वो 2.7 इसको नाम क्या दे दूं ए दे दिया जो ट्रायंगल से हटके होना चाहिए ठीक है और क्या कर देंगे इसको छोड़ो ज्वाइन ए जेड क्या कर दिया हमने ए जेड को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया ठीक है अब क्या करेंगे जिसको हमने ज्वाइन किया है जिसको हमने ज्वाइन किया है उसी को क्या करेंगे हम बाइसेक्ट करेंगे वही पैटर्न है सेम पैटर्न जिसको हमने ज्वाइन किया उसी क्या करेंगे हम बाइसेक्ट थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं जब माइनस होता है ना तो लाइन आप ऊपर की तरफ बनाओ ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करो और
नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करो, ठीक है? ये जो लाइन बने ना उसको ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करो और नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करो, बराबर दिख रहा है ना? ऑल राइट, तो हमने बना दिया AZ डॉटेड वाला साइड, इसको क्या करेंगे, इसको क्या बनाना आपको, बाईसेक्ट। तो Z पर रख दिया, मोर देन हाफ किया, एक आर उधर कट किया और एक आर ये साइड पर, ठीक है? फिर A पर रख के कंफर्म कर लिया, और क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या ये कहीं मिल रहा है? ये तो इसको मिल रहा है ना, बेस को, क्या जिस पे एंगल बना अपना 45 डिग्री, उस एंगल वाले लाइन पे कहीं मिल रहा है? एंगल लाइन पे नहीं मिल रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आपने जो लाइन बनाया रहेगा वो लाइन कहीं छोटा बन गया रहेगा, तो उसको फिर से एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करेंगे इसको, मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड, दिख रहा है बच्चों? हम तो पेंसिल से बना रहे, तो एक्सटेंड कर सकते, उसको भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? अब क्या करना है, इस आर्क जो बना है ना इसको भी एक्सटेंड करके देखो, दिख रहा है? अभी भी दोनों नहीं मिले, अब फिर से इसको एक्सटेंड करो, फिर भी इसको एक्सटेंड करो, और आप देखोगे कि रूप मिल जाएंगे, ठीक है? घबराने की बात नहीं है, इसके लिए पहले जानते हुए छुड़ा भी दिया, अब यहां पर ये दोनों मिल जाएंगे, जो बाइसेक्टर है और लाइन वाला, बराबर ये एंगल वाला लाइन, उस पॉइंट का तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा, और इसको क्या कर दो आपको, ये दोनों क्या कर देंगे हम लोग, जॉइन कर देंगे, बराबर? और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, अब देखो कंटिन्यूअस कौन दिख रहा है, ये देखो एक्स जेड है, और ये तुम्हारा कौन है, एक्स वाई, और ये तुम्हारा कौन है, वाई जेड, ये हमारा पूरा टाइम है, ठीक है? यहां पर एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिस माइनस एक्स जेड, ये दोनों का जब माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 2.7, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट, ठीक है? तो एग्जैक्टली कैसा करना है, जैसा हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया है, बराबर है? आपको लाइन नीचे नहीं बनाना, मत बनाओ, चलेगा, ये नीचे एक्सटेंड नहीं करना है, मत करो, चलेगा, ये ऊपर का एक्सटेंड कर दो, 2.7 ले लो, ज्वाइन कर दो, जिसको ज्वाइन किया उसी का बना दो बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, एंगल वाले लाइन पॉइंट, जो लाइन पर एंगल बना था उस लाइन को नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सटेंड करना पड़ेगा, पेंसिल से बनता है, हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और जहां पर मिलेगा उसको मिला देंगे, सो मैं बराबर ना, यस, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा कंस्ट्रक्शन, ये आपका हो गया हमारा ट्रायंगल ए, ए नहीं सॉरी एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, सो मैं ये फुल हमारा कंस्ट्रक्शन। तो अब सेम 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड वाला आप कर रहे हो, अब ट्राई करोगे सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें हमें एबीसी को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर BC 6 सेंटीमीटर गिवन है, ABC इज 100, एंगल दिया है 100, वो भी गिवन है, क्लियर है? और उसके बाद AC माइनस AB, ये वाला कौन सा पैटर्न है, AC देखो ना, AC माइनस AB यानी फार माइनस नियर, तो फार माइनस नियर में लाइन जो एक्सटेंड करेंगे किसकी तरफ करेंगे, नीचे की तरफ, बराबर है? और जो हम लोग आग की मार्किंग करेंगे वो भी किसकी तरफ करेंगे, नीचे की तरफ, बस ये मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग, बच्चों सपोज ये हमारा है BC, कौन है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ओके, एंगल कितना है, ABC कितना है, 100, एंगल B कितना है, 100, ठीक है? ये रख देंगे इसके ऊपर, 100 इज मोर देन 90, तो ले लिया सेम साइड पर, और इसको क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड, ठीक है बच्चों? अब देखो AC माइनस AB कितना है, 2.5, इसको बोले लेंगे कितना, 2.5,
जहां पर एंगल बना था, एंगल कौन 100 डिग्री, उसी के ऊपर इस 2.5 को मेजर करके ये बी पर रख के ये 2.5 मेजर करके इसको क्या कर दिया हम लोग, ये कट कर दिया, बराबर है। ये आपका पॉइंट ट्रायंगल के बाहर का पॉइंट है कोई एक्स है, और बाद में इस एक्स और सी को क्या कर दिया हम लोग, इसको ज्वाइन कर दिया। तो जिसको ज्वाइन करते हैं उसी क्या बनाते हम लोग, परपेंडिकुलर। तो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे आप लोग, XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। उसके लिए X पर रख दो, फुल ग्राफ है, आग मारो, मार दिया तो वहां वो वहां सामने वाले भी आग मार देने का कार्यक्रम चालू होगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, लाइन मारो, ठीक है, ये दो लाइन मारो, ये लाइन मारना इतना आसान नहीं है, बराबर, बहुत मुश्किल है, जल्दी मिलते ही नहीं है ना, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्जेंस, देखो ये दिख ही रहा है, मिल नहीं रहा है, टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का, मिलाने का, ठीक है, आगे बढ़ते जाने का। ये दिख रहा है, अब इसको इसको आगे बढ़ाओगे ना तो मिल जाएगा, ये देखो ये पॉइंट मिला। अब जिस पॉइंट में मिल गए दोनों, वही तुम्हारा कौन होगा, ए कौन होगा, ए, ठीक है। अब तुम्हारा जो ट्रायंगल है एबीसी को क्लियर कर दो, ये वाला लाइन को रोटेट बना दो, बराबर, ताकि क्लियर विजन हो जाए, और इसको कंटिन्यूस कर दो, ठीक है। ए बी सी, इसके अंदर ए सी माइनस ए बी मस्ट बी 2.5, ठीक है। देखो ए सी बड़ा भी आपका वाई नहीं आएगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये था सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किया हमने और सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी किया। अगर फार माइनस नियर है तो जो आप मारेंगे नीचे की तरफ मारेंगे, एंगल के नीचे की तरफ, और अगर नियर माइनस फार है तो जो आप बनाएंगे उनका बनाएंगे एंगल के ऊपर की तरफ, सेम जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन किया तो वैसे ही रहेगा, जो हमने 4.1 में कंस्ट्रक्शन किया वैसे ही रहेगा अगर नियर माइनस फार है, और अगर फार माइनस नियर है तो इसकी तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ, बस यही चेंजेस, ठीक है।